हाय गाइस, एक्चुअली आज एक ऐसा मौका बना कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो नासिक से निकले थे औरंगाबाद के लिए। रास्ते में थोड़ा सा भूख लग गई थी तो सोचा कि कुछ खाया जाए। बचपन से हम लोग जाते थे मामा के घर पे, जब नाना के घर पे, तो एक जगह पे ज़रूर रुकते थे ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए, और वो इतना टेस्टी होता था उधर का नाश्ता। इसके लिए मैं आज आप सबको वो रूबरू करवाना चाहता था और सबको बताना चाहता था। एक जगह है विंचूर करके, जो औरंगाबाद जाते वक्त नासिक से लगता है विंचूर, उधर एक होटल स्वागत करके आता है। ये एग्जैक्टली विंचूर की जो चौराई है उधर ही है होटल स्वागत, तो उधर हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे सीधा होटल स्वागत और उधर के गरम गरम पकौड़े। यहाँ से नासिक आते हैं हम लोग और इधर से जाते हैं औरंगाबाद, और ये होटल स्वागत विंचूर ये जगह का नाम है, और ये रहा होटल स्वागत। और ये इसकी, हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं विंचूर में। लोग एक स्पेशल टाइप के पकोड़े खाते हैं, जो होते प्याज के पकोड़े हैं, प्याज और कुछ कुछ चीज़ें मिक्स होती है, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं, हम लोग पूछेंगे रेसिपी के बारे में और आप सबको रूबरू कराएंगे। ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और मज़ा आता है खाने के लिए। हाय गाइस, हम लोग इस वक्त विंचूर में हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर जो पकोड़े अच्छे मिलते हैं, ये उनके ओनर सर, आपका शुभ नाम? बाड़ा साहब करके इनका नाम है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे। कितना साल हो गए? 30 साल हो गए बता रहे कि 30 साल से इनका ये जो पकोड़े बेच रहे, 30 साल हो गए इनके शॉप को, और बहुत ही फेमस, बहुत ही यमी है, और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आकर। प्लीज़ डू विजिट और एक बार तो खाना ही खाना बिल्कुल।